लाइव। गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। आ जाइए फटाफट, सैटरडे रात के 9 बज गए हैं और आपकी क्लास लेकर मैं आपके सामने। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ओशन गुरुकुल्स पर, और बहुत 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 प्यार जो आप मुझे देते हैं उसके लिए बहुत थैंक यू जी। अभिषेक जी, अनुराग, उमंग, राशि, स्वाति, लक्ष्मण, लोटा और ग्लास वाले भाई साहब, अंजलि, विक्रम, जहर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। यस मैम, आज क्या हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं? हाँ, आज हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते जी, नमस्ते, हेलो सबको। हाँ जी, सबसे पहले मुझे बता दीजिएगा, ऑल ओके? ये यार, सबसे पहले जैसे मेरी आवाज़ पहुँचे और वो सही पहुँचे तो ये लाइक का जो बटन है ना, इसे प्रेस किया करो। इससे समझ में आता है कि ऑल ओके एंड वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। हाँ जी, आज जैसा कि आपके सामने थंबनेल भी लगा हुआ था कि आज हम डिस्कस करेंगे, मेरी सारी क्लासेस में आप लोगों के कहने पर ही मैंने आपसे बहुत सारे टॉपिक्स को आज तक डिस्कस किया है रिलेटेड टू योर स्पोकन एंड रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड अनदर टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो। पर आपने कहा मैम बेसिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारी ग्रामर आती है, आप ग्रामर की क्लास लीजिए, तो मैं उस सेशन को भी आपके लिए लेके आई हूँ। और एकदम बेसिक से, कुछ भी ना आता हो आपको, कुछ भी ना आता हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ इतना आए तब आपकी क्लास लेंगे, नहीं, कुछ भी ना आता हो आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बात करते हैं सबसे पहले क्या पढ़ने आए हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर या ग्रामर क्या होती है, समस्या क्या है, कहाँ से शुरू करते हैं, क्या चीज़ें हैं। एक ये सवाल हमारे अंदर होता है कि है क्या एग्जैक्टली, भाई कुछ नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये भी मैम अच्छे से आप हम जानते हैं क्योंकि आप बहुत सारी क्लासेस में हमें बता चुकी हैं, ठीक है। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ऑब्वियसली लिटरेचर रिलेटेड हम जाए तो इट्स सब्जेक्ट ऑल्सो, पर अगर हम कहें कि किसी लैंग्वेज के अंदर ऐसी तो कोई भाषा आप बोल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं हिंदी जानते हैं और हिंदी में मैं कहूँ राम गाती है तो आप लोग हंसेंगे और आप मुझे कहेंगे अरे मैम ऐसे नहीं होता, राम गाता है ऐसे बोलिए, क्यों भाई, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो हर एक लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं ताकि हम ठीक से कम्युनिकेट कर पाएँ, एक दूसरे की भाषा को समझ पाएँ, इसलिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है। उन सेट ऑफ रूल्स को हम कंप्लीटली कह दें तो वो हमारा व्याकरण है, हिंदी में व्याकरण, इंग्लिश में ग्रामर जिसे कहते हैं आप, समझ आ रही है बात? मैं कुछ भी रट्टाफिकेशन वाला मेरा बिल्कुल भी प्रक्रिया नहीं है, अगर आप मेरी और क्लासेस अभी तक देखे हैं तो आपने पाया भी होगा मुझे रट्टे से बिल्कुल मतलब नहीं, सिर्फ समझ के चलिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि हाथ में कॉपी हो, पेन हो, इसका पीडीएफ वगैरह सब आपको मिल जाता है, आप सिर्फ मेरी बात सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ। सबसे पहले तो दिमाग से ये निकालना ज़रूरी है कि इंग्लिश, ये जो फोबिया आप लोगों ने बना रखा है ना यार, हमारे इंडिया में बहुत बड़ा फोबिया है, इसको निकालने का काम हम करेंगे जब हम ये समझ जाते हैं कि हमें आ सकती है, अरे हमें आ जाएगी यार, यस आई कैन डू इट, यार कर सकता हूँ मैं। जब आप आई कैन वर्ड लगा देते हैं ना तो एवरीथिंग विल बी इज इन योर लाइफ, सब ईजी हो जाएगा। हाँ जी, तो बात करती हूँ, हमने कहा इंग्लिश, आपने कहा यस मैम इंग्लिश ही पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक से शुरू करूंगी। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा भी कि क्यों बेसिक, नहीं उसका भी रीजन दूंगी कि क्यों बेसिक। देखिए, इंग्लिश की मैंने बात करी कि इंग्लिश कुछ बच्चे कहते हैं मैम सब्जेक्ट है, कुछ कहते हैं लैंग्वेज है, आप जो पढ़ रहे हैं आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रही है वो आपकी लैंग्वेज आ रही है। क्यों? आप देखा होगा, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें लिखा होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसका मतलब ये है कि आपका इंग्लिश से अंडरस्टैंडिंग कैसा है, समझ आ रही है बात, आप कितना उसको समझ पा रहे हैं। मेरठ से हैं? हाँ आप, मैं मेरठ से नहीं हूँ, हाँ मैं मेरठ रही जरूर हूँ लगभग 7-8 साल। ठीक है, हाँ जी बात करते हैं। देखो, मैंने कहा इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब जब भी कोई भाषा बनती होगी, सोचो आप कोई भाषा बनती होंगी तो सबसे पहले क्या बनते होंगे, उसके अल्फाबेट्स। अब इंग्लिश पूरी की कहानी, पूरी की पूरी इंग्लिश में आपको 26 जो हमारे लेटर्स हैं इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, और ये हमारे कहलाते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट पूरा का पूरा आपका वर्णमाला, जिसे आप, जिसकी हेल्प से ही पूरी इंग्लिश लिखी जाती है, यही है
बताओ इससे 26 से अलग कुछ इंग्लिश में आपको दिखा? कोई कोई आपको दिख रहा है? नहीं यार, 26 सारे नाम वाम सब कुछ आप देख लो अपने चारों तरफ, इससे अलग कुछ नहीं. एग्जैक्टली इससे अलग कुछ नहीं. जब अल्फाबेट आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं वर्ड्स. ये भी मैम बिल्कुल सही है. जब हमारी कहानी वर्ड्स पे आती है ना तो हमें देखो इतना तो सबको आता है, ये तो सबको आता है ए बी सी डी एफ जी एच, ये तो ए टू जेड सबको आता है. आता है यार इतना तो बोलो. हाँ बस मुझे ना इतना चाहिए, उसके बाद की कहानी तो मैं अपने आप ही अपने बैच में पूरी करूंगी. इतना आपको आता है, ए बी सी डी तो सीखे हो या ए बी सी डी भी सिखाएं, आती होगी. एग्जैक्टली आती होगी. अब इसके बाद क्या हुआ कि ये सब मिला मिला के कुछ वर्ड्स बनने लगे, बनने लगे. उन वर्ड्स को मैं आपको वोकैबुलरी में सिखाती हूँ. अगर आप मेरी यूट्यूब पे क्लासेस देखे होंगे तो रटाफिकेशन कुछ नहीं, आपको मीनिंग ज़रूर समझना पड़ेगा, वोकैबुलरी ज़रूर समझनी पड़ेगी. ये सेक्शन भी हमारे एग्जाम में आता है. अब अगली बात करते हैं कि वर्ड्स का तो मैम ठीक है, आगे कहानी जब सेट ऑफ वर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? आप कहते हैं सेंटेंस बन जाता है. सही में ना? देखो अब थम्स अप भेजना शुरू कर दिया. यस मैम, ए बी सी डी तो आती है. बस ए बी सी डी आती हो यार, उसके बाद कोई बात नहीं. आप मुझ पे भरोसा करिए और मैं कोशिश करूँगी आपके भरोसे पर खरा उतरने की. ठीक है, अब इसके बाद ये मेरी कहानी है, मैं करूँगी वर्ड्स जो है आपका वोकैबुलरी सेक्शन. अगर आप मेरी यूट्यूब की क्लासेस भी फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आफ्टर डैट आगे भी बढ़ गए हम. जब हम सेट ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं तो इसे कहते हैं आप सेंटेंसेस, यही कहते हैं वाक्य. ये भी बात ठीक है मैम, इतनी बात भी क्लियर है कि ठीक है. अब कहानी आपकी ग्रामर की शुरू होती है कि एक सेंटेंस के अंदर क्या हो सकता है. जो एक सेंटेंस के अंदर है ना यार, वही आपको पढ़ना है और उसको ही ग्रामर कहते हैं. ये तो मैम बड़ी सीधी सी बात कह दी आपने. हाँ है ही सीधी सी. लिखते हुए सुनते हुए जिन सेंटेंसेस का यूज करते हैं उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लगे. देखिए जो वर्ड है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. एक सेंटेंस के टुकड़े करेंगे, अभी मैं सब सिखाऊंगी आपको. एक सेंटेंस के टुकड़े कर देंगे, टुकड़े 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 टुकड़े. जैसे हमारी बॉडी है भैया, आंख है, कान है, नाक है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए ये आंख है, ये नाक है, ये लिप्स हैं, तो पता भी तो होना चाहिए. एग्जैक्टली एक सेंटेंस के साथ है. हम कहेंगे ग्रामर में एक सेंटेंस को पूरा तोड़ दो, और पूरा तोड़ने के बाद उसमें से जो जो घूमता घूमता आए ना, बस उनको पढ़ लो, ग्रामर कंप्लीट. कहने में तो एक ही लाइन है पर इतनी भी आसान नहीं. देखिएगा, आठ आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कई बार आपने देखा हो या सुना हो. हो सकता है आर्टिकल को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, पर हम इसको अलग से ही लेंगे, है ना, डिटर्मिनर और आर्टिकल जो पार्ट होता है. एट हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन. कोई रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं. अब आप में से बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना होगा, हो सकता है, क्या मैम एग्जाम में ऐसे आता है नाउन? नीचे नाउन के बारे में लिख दो, इसकी डेफिनेशन क्या है, बताओ इसके प्रकार क्या हैं. नहीं आता, सच में नहीं आता. क्या ये आता मैम प्रोनाउन? कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, किसके साथ क्या लगता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है? नहीं आता. क्या आपसे ये पूछा जाता है, बताइए ऑन प्रपोजिशन किसके साथ लगाई जाती है? नहीं, ये भी नहीं पूछा जाता. तो फिर क्यों पढ़े ऐसा? मैं भी आपको एकदम बेसिक सिखाने वाली हूँ. आपको कोई भी चीज शुरू करने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसका बेसिक आना चाहिए. अगर आप कहते हैं ऐसा कोई भी पूछा, हमने देखा नहीं आज तक कि चलो प्रोनाउन के नीचे क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करो, इनके बारे में लिखो, ऐसा कुछ नहीं आने वाला. आपको एक क्वेश्चन को देखकर, एरर को देखकर, इंप्रूवमेंट को देखकर, फिल इन द ब्लैंक्स को देखकर आपको समझ में आना तो जरूरी है कि वो रिलेटेड किससे है. अब बहुत सारे बच्चे ना इस बेसिक से भागते हैं. बेसिक हर सब्जेक्ट में होता है. चलो इंग्लिश की छोड़ो, मैं आपको मैथ्स पे लेके जाती हूँ. आपसे मैं पूछूं पांच और चार कितने होते हैं, बताएंगे जरा? सोच रहे होंगे कैसा सवाल पूछ लिया मैडम, पांच और चार सोच रहे हो? पांच और चार, बताए पता है तो बताओ ना. पांच और चार नौ होते हैं, आप कह रहे हैं ऐसा, और सही भी कह रहे हैं, पांच और चार तो नौ होते हैं. चलो मैं एक छोटा सा और आपसे, थोड़ा इससे बढ़ाती हूँ थोड़ा लेवल. जब आप 3/9/5 इसको सोल्व करते हैं तो आप कहते हैं 5 ऊपर चला जाता है, इसे क्या लिखते हैं आप जल्दी से फास्ट? अब ये भी पता है कि यस मैम इसे 15/9 कहते हैं, पर ये आप ये क्या कर रही हैं? मैं ये पढ़ा रही हूं यार तुम्हें, पांचों चार नौ होते हैं, क्यों नहीं पढ़ा सकते भाई? मैं आपसे कहूं
छह गुना दो 12 होते हैं, चलो पढ़ो, 6 गुना दो 12, और कुछ पूछती हूँ, 5 गुना नौ मैं कहूंगी 45 होते हैं 45, अरे पढ़ो। अब आप कहेंगे ये आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि आप बचपन से जिस मैथ सब्जेक्ट के साथ चले आपने कहा ये जमा घटा गुणा भाग, पर मैं कह रही हूँ ये क्या पेपर में आता है? आप कहेंगे पेपर में तो नहीं आता है, और मैं सच में नहीं आता पेपर में, पर ठीक है अगर आपको ये ना आता हो और मैं आपसे इस क्वेश्चन, ये तो आता है भाई, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स में आपने ये तो सुना होगा। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता, आपको जोड़ करना नहीं आता, आपको गुणा करना नहीं आता, क्या इसके बिना इस इक्वेशन को सोल्व कर पाओगे? अगर आपको इस तरीके की इक्वेशन नहीं आती क्या इसे सोल्व कर पाओगे? आपका आंसर होगा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको मैथ्स का बेसिक आता है, और वो आता है ना इसीलिए ही आता है। तो एग्जाम में जैसे नाउन की परिभाषाएं नहीं आती, नाउन के टाइप नहीं आते, प्रोनाउन कौन से टाइप के होते हैं ये नहीं आते, इसी तरह एग्जाम में तो ये भी नहीं आता पांचों चरणों होते, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन तो आज भी आप सीखते हैं। एम आई राइट? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो एक बार थम्स अप बता दीजिएगा। आप कहिएगा यस मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर ये नहीं आता तो भाई ये नहीं आता। इसी तरह मैं कह रही हूं जब आप किसी लैंग्वेज को शुरू करते हैं ना उसके बेसिक से भागिए मत, क्योंकि आपको वही नहीं आता फिर आगे की कहानी तो कैसे आएगी। तो शायद आपको थोड़ा सा मैं समझा पाई होंगी कि बेसिक की जरूरत क्यों है। मैथ्स में तो बड़े इंटरेस्ट से हम जमा घटा गुणा भाग सब सीख लेते हैं, पर इंग्लिश को हमेशा रटते आए हैं, रटते आए हैं, रटते आए हैं, आज तक भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमें लैंग्वेज के नहीं आते। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो थम्स अप की संख्या रुकनी नहीं चाहिए और मैं आपके सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। हाँ जी, वापिस आते हैं। मैंने कहा जैसे कि आपको लैंग्वेज को सीखने के लिए इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, सीधे चैप्टर एंड ऑल ये सब नहीं कर सकते। देखो एक तो आना चाहिए, और दूसरा सिर्फ आने से काम भी नहीं चलता, इम्प्लीमेंटेशन भी आना चाहिए। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। मैंने आपसे पूछा क्या होगा, आपको एकदम से तो नहीं आता होगा पर आप कहेंगे मैम निकाल देंगे, पर आपको ये आता है? ये पूछती अगर तो आप कहते मैम 42, क्या सिर्फ इसके आ जाने से ये निकाल दोगे क्या? नहीं, आपको सिर्फ आना जरूरी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को आना जरूरी नहीं है, इसका आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी है। एग्जैक्टली मैथ्स की ही कहानी फॉलो अप हो रही है। जैसे आप मैथ्स में करते थे इसी तरह आपको इंग्लिश में भी करना है, इनको जानना भी है और इनका आइडेंटिफिकेशन भी सीखना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ आज की क्लास को हमारे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से जिसका नाम है नाउन। ओके करें शुरू। क्लियर? यस मैम क्लियर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं कि क्यों क्यों क्या किस चीज के बारे में बात कर रही हूं? अभी बहुत सारे बच्चों को लगा मैम ये तो बेसिक है, मैंने कहा ना यार बेसिक नहीं आता, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। हाँ जी चलो अब आप हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे स्पोकन या ग्रामर वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन किसी भी बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल्स पर आपको मिल सकते हैं। देखिए अब शुरू करते हैं नाउन क्या है। अभी मैं कोई कॉन्सेप्ट सीधा इम्प्लीमेंटेशन ये सब नहीं सिखा सकती, क्योंकि मेरे लिए वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग तो ये है ना कि यार आपको कुछ नहीं आता या ब्लैंक। हाँ ये ज़रूर है कि मुझे बेसिक से एडवांस तक लेके आपको जाना है, ऑब्वियस बात है, पर मुझे शुरुआत तो उस बेसिक से करनी पड़ेगी। अभी जो मैंने मैथ्स में एग्जांपल दिया कि क्यों पढ़ें बेसिक, क्योंकि हमें किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी लैंग्वेज का बेसिक नहीं पता होगा, इसीलिए तो वो रट्टा मारते हो रूल नंबर वन रूल नंबर टू रूल नंबर थ्री, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता। अच्छा अब बात करते हैं नाउन की। कुछ नहीं, कोई रट्टाफिकेशन आप लोग नहीं मारेंगे, सिर्फ मेरी सुनेंगे। नाउन क्या है भाई? एकदम सीधी सी बात है, जितनी भी चीजों के आप नाम दे सकते हैं ना वो नाउन है। क्या मैम इतनी सीधी सी बात है? बचपन से तो बचपन में तो पढ़ते थे नेम थिंग प्लेस, ये नाउन है।
क्या जरूरत है हमें ऐसा करने की? आप पहले प्रैक्टिकली समझिए कि नाउन क्या है, जिसको भी मैं नाम दे सकती हूं। और एक छोटी सी बात कहूं, अ नेमिंग वर्ड इज नाउन। जिस जिसको आप नाम दे सकते हैं ना, वो सब संज्ञा है, सब नाउन है। अब आप कहेंगे मैम नाम दे सकते हैं, भाई देना शुरू कर दो। ये क्या है? नाक। ये क्या है? आइज। ये क्या है? फोरहेड। ये क्या है? हेयर। ओके, ये हैंड। ओके, दिस वॉच। ओके, रिंग। नाम दो, नाम अपने आसपास भी दो। अभी तुम बैठे हो, वहां पर भी कुछ चीजें होंगी जिनका नाम होगा। बोर्ड, यस। मार्कर, यस। टेबल, लैपटॉप, फोन, कंप्यूटर, फैन, ये सब क्या है? जिसका भी मैं नाम दे सकती हूँ यार, एक्स वाई जेड। आप जितने भी लोग अभी देख रहे हैं मुझे, ये रितिमा, विपिन, भरत और दिनेश, जितने भी लोग हैं जिनका कुछ ना कुछ नाम है, वो सब नाउन है। तो आप, आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ऐसे तो मैम सब कुछ ही मुझे नाउन लग रहा है, और सच भी यही है। अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो 25 से 30% सारे के सारे वर्ड ही नाउन है। 25 से 30% जितने भी डिक्शनरी में वर्ड हैं वो सब नाउन है। अपने आसपास देखो ना यार, घुमाओ अपनी नजर, घुमाओ, खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि आप किसी क्लास में बैठे हैं तो क्लास नाउन है, बेंच पे बैठे हैं, बेंच नाउन है ना। अब टीचर पढ़ा रहा है, टीचर भी एक नाउन, जिस जिसका भी आप नाम दे सकते हो। साइड में विंडो है, वो भी नाउन है। आए किससे थे? बस से आए थे, बस भी एक नाउन है। आप कहें साइकिल से आए थे, साइकिल भी एक नाउन है। आप कहें कि जब मैं घर से निकला तो घर एक नाउन है। घर में रोड पे आया तो रोड भी एक नाउन है। बस में बैठा, बस भी एक नाउन है। कंडक्टर ने टिकट दी तो कंडक्टर भी एक नाउन है। जब आप कोचिंग पहुंचे तो कोचिंग भी एक नाउन है। जब आप वापस घर पहुंचे, घर एक नाउन है। सोफे पे बैठे, सोफा नाउन है। मम्मी से बोला खाना दे दो, ये भी नाउन है। तो सब कुछ नाउन है। जिस जिसको भी आप नाम दे सकते हो वो सब नाउन है बेटा। तो इतनी सी बात मेरी ध्यान रखिएगा, नेमिंग वर्ड, जिस जिसको हम नाम दे पाए वो सारे के सारे वर्ड नाउन है। बस इतनी सी ही परिभाषा है, राइट? तो मेरी बात सबको क्लियर हो गई? जिस जिसको भी नाम दे सके। अब नाम में भी आपको लगेगा कि जब बचपन में पढ़ते थे, अवार्ड इंडिकेट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस, तीन चीज़ें कही जाती थी, पर गलत था। अब आपको थोड़ी कंफ्यूजन दो वर्ड्स में होती है, मैं इसलिए इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। अवार्ड दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन भी तो हो सकता है, मैं आप सब क्या हैं? पर्सन है, राइट? प्लेस जगह भी हो सकती है, थिंग कोई चीज भी हो सकती है। अभी हम एग्जाम्पल से सब कुछ सीखेंगे एकदम जीरो से, है ना। अब दो चीजें यहां पर ऐड करना बचपन में हम नहीं करते थे, आइडिया एक्शन, यही आपको कंफ्यूज करता है। और एक्चुअली एग्जाम में जो गेम है ना, यही है, आइडिया और एक्शन, है ना। अभी आप समझें कि जैसे मैंने कहा पर्संस, अब पर्संस जैसे आपने देखा तो मैंने यहां पर लोगों के नाम लिख रखे हैं, सुमित, मानसी। एक ड्राइवर भी क्या है? एक पर्सन है। डॉक्टर क्या है? पर्सन है। सोल्जर क्या है? पर्सन है। तो जितने भी ये लोग आपको दिखाई आ रहे हैं ना, पहली बात तो ये नाउन है, ठीक है मैम, सब नाउन है, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखती हूँ, मैंने कहा जितनी भी जगह है ना वो भी नाउन है। अब जगह मतलब कि आपका घर, हाँ नाउन है। आपकी सिटी, नाउन है। तो आपका, आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो नाउन है, ठीक है। आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ला, नाउन है। आप किसी देश में रहते हैं, देश, नाउन है। आपकी कोई शॉप है, नाउन है। आपका एक कमरा है, वो भी तो एक जगह है, तो वो भी एक नाउन है। तो ये सब जगह भी किसके अंडर है? नाउन है, ऑब्वियसली नाउन है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, चीज़ें। अब देखिए मेरे पास ही कैमरा लगा है, स्टूडियो है, मोबाइल है, रेडियो है, चेयर है, आपके पास नोटबुक है। ये जो चीज़ें हैं ना, जिसे कहते हैं चीज़। अब जब दुकान पे जाते थे बचपन में, कहते थे चीज़ दे दो, दो रुपए की। खाई आप लोगों ने चीज़? अरे चीज़ का मतलब मेरे बटर नहीं, चीज़ कहते थे ना, चीज़ खानी है, बचपन में बच्चे कहते थे, आप लोग कहते होंगे, आजकल वाले भी कहते होंगे चीज़। तो जो चीज़ है ना, वो आप कोई भी चीज़ मांग ले, उनका एक नाम है, और अगर उनका नाम है तो वो नाउन है, क्लियर। यहाँ तक बात। आगे आते हैं आइडियाज और एक्शन, थोड़ा सा इसे डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, फिर भी मैं बता दूँ एकदम शॉर्ट में। आइडियाज, जो आपके दिमाग में आइडिया है ना, जस्ट लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ईमानदारी भी एक नाउन है। इसे मैं डिटेल में आगे आने वाली क्लास, बस अगले 10 मिनट के अंदर ही इसे डिस्कस करूंगी, आइडिया को भी और एक्शन को भी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं सेकेंड बात पर आती हूँ, और बात है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि मैम पहचाने कैसे, मतलब आप ये ऐसे बताएंगी, ऐसे मतलब इतने कैसे रट्टा वट्टा कैसे मारेंगे यार, इतने सारे क
कैसे चलेगा काम? बात तो बिल्कुल सही है, और ठमाना भी नहीं है। मैं आपको तीन बातें बताऊंगी, अगर वो वैसा है तो वो नाउन है। भाई अभी तो मैंने एटसेट्रा ईटीसी लगा के मेरा तो काम खत्म हो गया, आपका तो नहीं हुआ ना खत्म ईटीसी लगाने से। मैंने कह दिया एटसेट्रा ये नाउन है, इससे कैसे काम चलेगा? तो मैम कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हमें पता लग जाए पक्का कि नाउन है। एग्जाम में नहीं आता, पर वही बात है बेटा, सेम टू सेम। अगर 7 6 42 आता है तो बड़ी गुणा कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो अगर ये आता होगा ना तभी एग्जाम दे पाओगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले पाओगे, वरना नहीं ले पाओगे। अब देखिए इस सवाल का उत्तर देती हूँ आपके। क्वेश्चन है आपका कि पहचाने कैसे कि नाउन है। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन के लिए बस तीन सवाल पूछिएगा, व्हाट, हु और हुम। तीन बातें पूछनी है, क्या, कौन और किससे। ये कैसे पूछनी है अभी बताते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। अगर आपको कोई भी नॉन लिविंग थिंग है तो उससे व्हाट का आंसर ले सकते हैं। ये सब आपका हु और हुम आपको पता होगा, ये पर्सन के लिए होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, राम वॉक्स हार्ट। आप कहते हैं राम बहुत मेहनत करता है, राम बहुत मेहनत करता है, और मैंने कहा राम वॉक्स हार्ड। मैंने कहा राम बहुत मेहनत करता है, ठीक है। अब मैं इससे सवाल पूछती हूँ, इस वर्ब से, कि कौन मेहनत करता है। तीन सवाल पूछा ना, अगर तीन के आंसर ये दे पाए तो ये नाउन है। आपने कहा कि कौन कौन करता है, तो या तो क्या का आंसर पूछिए, या हु का पूछिए, या हुम का पूछिए। मैंने पूछ लिया हु, और मैंने कह दिया हु वर्क्स हार्ड। तो आप क्या कहेंगे, हु वर्क्स हार्ड कौन करता है? तो आप कहेंगे राम करता है। इसका मतलब ये राम नाउन है, और ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा। मैं बड़े से बड़े सेंटेंस लूंगी, वहां पर आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगी कि ये नाउन है, और सिर्फ इतने से काम चल जाता है आपके नाउन कहने का। फॉर एग्जाम्पल, आपको शायद मेरी बात समझ में आई होगी, मैंने कहा हु वर्क्स हार्ड, तो इस हु की जगह पर आप कहेंगे कि कौन वर्क्स हार्ड करता है, आप कहेंगे राम, राइट? तो ये राम क्या है, नाउन है। अगला एग्जाम्पल आपके सामने देखिएगा, अमित वॉन्ट्स टू मीट कैटरीना कैफ। अब मैंने फिर से सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा, हु वॉन्ट्स टू मीट कैटरीना कैफ। मैंने कहा कि कैटरीना कैफ से मिलना चाहता है कौन, अमित चाहता है। अब मैंने अमित की जगह लगाया हु, और मैंने सवाल पूछा कि कौन मिलना चाहता है कैटरीना कैफ से। तो आप क्या कहेंगे इसका आंसर, आंसर बताएं मुझे जल्दी से। राम राम जी, हरियाणा से जी, राम राम। क्लियर करें मुझे, आपने कहा अमित, आपने ही कहा कि कौन के मिलना चाहता है कैटरीना से, आपने कहा यस मैम अमित। तो अमित क्या है, नाउन है। तो हु का आंसर हमें मिल गया। एक और क्वेश्चन हम मैंने पूछ लिया, हुम डज अमित वॉन्ट्स टू मीट। अमित किससे मिलना चाहता है, बताना जरा। अमित मिलना चाहता है, वो नाउन है। मैंने कहा किससे मिलना चाहता है, आप कहेंगे कैटरीना कैफ से मिलना चाहता है। तो हु का आंसर दिया अमित, अमित भी एक नाउन है। किससे मिलना चाहता है, हुम का आंसर दिया कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ भी एक नाउन है। मेरी बात यहां क्लियर हुई। अभी तीसरा सेंटेंस लेती हूं, राधा बोर्ड शुगर, राधा बोर्ड शुगर। इसमें मैंने पूछा, तीन सवाल पूछ सकती हूँ, या तो कौन, या किससे, या फिर क्या। आपकी बार मैंने सवाल किया हु बोट शुगर, किसने खरीदी, अरे जल्दी बताएं मुझे हु बोट शुगर, किसने चीनी खरीदी है, आप कहेंगे राधा, यही कहा आपने। मैंने एक क्वेश्चन और पूछा, व्हाट डिड राधा बाय, राधा ने क्या खरीदा है, टेल मी गाइस, राधा ने क्या खरीदा है। मैंने तीन आंसर कहा आपसे, हु, हुम और व्हाट। सिर्फ तीन सवाल करिएगा, बड़े से बड़ा सेंटेंस हो, आप नाउन को पहचान पाएंगे। और आपने कहा राधा ने मैम चीनी खरीदी है, तो इसका मतलब क्या का आंसर दिया है, और क्या का आंसर दिया है, तो वो क्या है, नाउन है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो जाती है, एक बार प्लीज मुझे ये थम्स अप की जो संख्या है आपकी, कृपया इससे बता दें। एक बार प्लीज लाइक के बटन से मुझे क्लियर करें कि नाउन को पहचानने के लिए मैंने आपको तीन बातें बताई, हु का आंसर मांगिए, हुम का आंसर मानिए, और व्हाट का आंसर मांगिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू विनोद। शुगर, राइट, चीनी, क्लियर।
ठीक है, बस इतनी बात मुझे सिखानी थी, बाकी आगे इंप्लीमेंट हम करेंगे। अब मैंने कहा इतनी बात हमें क्लियर हो गई कि नाउन क्या है, जितने भी नाम है ना ये सब नाउन है जिसे आप नाम दे सकते हैं। अब नाउन को कैटेगराइज भी करना पड़ा, इस बेसिक के बारे में भी हम समझ लें। देखिए बच्चा फिर से मैं बता दूँ, अगर आप इस भ्रम में बैठे हैं कि बेसिक के बिना पता कैसे पढ़ाया जाएगा, फिर रूल नंबर वन डालो, कितने रूल याद करोगे यार बताओ मुझे। मैं बोलूं अब बहुत अच्छा तरीका था मेरा कि आज की क्लास में मैं रूल नंबर वन रूल नंबर टू करके 20-25 रूल लिखवा देती और नाउन पूरा भी हो जाता। पर क्या आपको याद रह सकते हैं वो रूल? अगर आपको रूल याद नहीं रखने तो आपको नाउन का बेसिक पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं आपको कॉन्सेप्ट करा पाऊंगी अगली क्लास में, वरना तो कराऊंगी कैसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, बहुत जल्दी से खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे, क्योंकि बहुत आसान है। अब 5 तरीके के नाउन होते हैं। अब आप कहेंगे मैम प्रॉपर नाउन, राइट, कॉमन नाउन, थर्ड वन आपका कलेक्टर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे आजकल कॉन्क्रीट नाउन के नाम से भी रिप्लेस कर दिया है सीबीएसई में, तो आपको जो भी मिले दोनों ही सेम है। ठीक है, अब हमने कहा ये 5 तरीके के नाउन होते, रट्टा मारने कोई जरूरत नहीं है, पहले ही रोक दूं मैं, कभी आप रट्टा मारने लगो पहला प्रॉपर नाउन फिर कॉमन नाउन। अरे यार ये नहीं याद करना, एग्जैक्टली बस माइंड में फिट करना है कि प्रॉपर नाउन होती कैसे हैं, क्योंकि उनके बिहाफ पर हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, कॉमन नाउन होती क्या है। अब मैं लाइन वाइज आई फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे उठाती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, बट छोटी छोटी भाषा, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगी, आप बस पूरी क्लास देखने के बाद आप मुझे बताइएगा क्या नाउन के बेसिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम बची। मैं कोशिश करूंगी आपको बिल्कुल ना बचे, इतने इजी तरीके से मैं आपको ये पूरा समझाने वाली हूँ। देखिएगा प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर का मतलब होता है पर्टिकुलर, मतलब कि किसी का स्पेसिफाइड नाम जो उसका है किसी और का नहीं हो सकता। जैसे आपका नाम दीपक है तो स्पेसिफाइड है कि मेरा नाम दीपक है, मेरा नाम सुमन है तो मैं स्पेसिफाइड हूं कि सुमन है, नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी है तो स्पेसिफाइड है कि वो नरेंद्र मोदी है, मैं इंदौर सिटी में हूं तो इंदौर इंदौर का नाम है ना, किसी और का नहीं है। तो इसे मैंने कह दिया कि ये सारी की सारी प्रॉपर नाउन है। बहुत सिंपल स्टेट में कहेंगे, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी भी, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। मान लिया मैंने कहा गंगा, तो भाई गंगा तो गंगा है, गंगा के अंदर बाहर तो कुछ है नहीं, गंगा स्पेसिफाइड नाम है। ताजमहल किसी बिल्डिंग का नाम है पर स्पेसिफाइड है, ताजमहल है आगरा में है। हमने कहा जयपुर, जयपुर बिल्कुल सिटी है एक, बिल्कुल ये भी एक अलग नाम है। नरेंद्र मोदी तो ओशन गुरुकुल, ये भी हमारे चैनल का नाम है। तो हमने कहा ये सब जो पार्टिकुलर हैं स्पेसिफाइड चीज़ें हैं इन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। मैंने अगर कहा कि कॉमन नाउन क्या होता है, अब भैया प्रॉपर नाउन्स को उठा के मैंने एक नाम दे दिया तो मैंने कह दिया कॉमन नाउन है। अब क्या हुआ तीसरा, जैसे कि मैंने कहा फादर, स्टूडेंट, बॉय, ड्राइवर, एडवोकेट, ये क्या है, कॉमन है, क्योंकि ये प्रॉपर के मिलाने से बनी है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा फिर कलेक्टिव नाउन क्या है, कि मैंने इन कॉमन में से कुछ ग्रुप उठा लिया, कुछ ग्रुप उठा के लिख दिया और मैंने कह दिया जैसे कि गैंग, कमिटी, टीम, फैमिली, ये सब हमारी कलेक्टिव नाउन है। दोबारा समझा देती हूँ, मैंने कहा प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर नेम, इन सबको मिला के कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में से भी कुछ छोटे छोटे हिस्से बना दिए, इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। समझ में नहीं आया, ठीक है छोड़ो, लो ठीक है कोई और तरीके से समझाते, आ गया? अच्छा ठीक है, जिसको आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया उसे छोड़ो यार। मैम ये क्या तरीका है यार, है ना, ऐसे ये लिखने से कैसे समझूंगा मैं कौन सा क्या है, मत लिखिए, मैं आपको दूसरा तरीका समझा दे। ये आपके सामने क्या लिखा है जरा पढ़ेंगे, अरे थोड़ा जल्दी, अरे गुड इवनिंग, नमस्ते, आना नहीं चाहिए तुम्हें, वैसे समझ में आना नहीं चाहिए था पिछली स्लाइड से, आ गया तो अच्छी बात है, और अगर मतलब नहीं आया है इसका मतलब मैंने ठीक समझा दिया होगा अगर आ गया है तो, वरना तो मैं दूसरे तरीके से। ये क्या है, रेणुका, प्रिया, शिवानी, दीपिका, ललिता, वंदना, मुझे ऐसा फील हो रहा है निधि, पल्लवी, सृष्टि, मिष्टि, पूजा, ये सारी की सारी क्या है, नाम पढ़ो, पूजा, प्रिया, जिया, ये सब नाम है एक एक बंदे के, ये 24 लड़कियां खड़ी हैं,
ये क्या है? रेणुका, ये रही, अच्छा ये प्रिया है, ओके ये शिवानी है, ठीक है ये सृष्टि है, ये का प्रीति है, मैंने कहा रोल नंबर वन दिस, रोल नंबर टू दिस, रोल नंबर थ्री दिस, करते जा रही हूँ करते जा रही हूँ। एक तो मेरे पास एक तरीका ये था कि मैं सबके नाम ले देती, अब यार मुझे कहना है कि क्लास से बाहर जाओ, मुझे कहना है क्लास से बाहर जाओ, तो एक एक के नाम लूँ क्या? रेणुका, प्रिया, शिवानी, दीपिका, जिया, आलिया, क्या करो? क्लास से बाहर जाओ। हर बार मैं कहूँगी खड़ी हो जाओ, तो क्या मैं हर बार इन सब के नाम लूँगी? 24 लड़कियां हैं मेरे बैच में फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं 24 के 24 के नाम लूंगी या फिर इन्हें इकट्ठा करके एक ग्रुप में डाल दूंगी और इन सब का नाम कर दूंगी गर्ल्स? क्लियर? जब मैंने इन्हें इकट्ठा करके इनका नाम दे दिया गर्ल्स, गौर करिएगा भाई, अब तो समझ में आना चाहिए। तो जब मैंने एक एक का नाम लिया तो ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर, रटा नहीं मारना भाई, समझना है, क्लियर? क्योंकि ये अलग अलग के अलग अलग पर्टिकुलर नाम है। अब क्या हुआ भाई, समस्या, आदि मानव था, शुरू शुरू में उसने एक एक चीजों को नाम देना शुरू कर लिया, फिर देखा जैसे जैसे विकास हुआ कि ये तो चीजें एक जैसी सी चीजें बहुत सारी हो गई यार, अब इनको इकट्ठा कहना हो तो क्या कहूं? तो जब इकट्ठा कहना है ना, तो उसने सोचा कि मैं एक नाम बना देता हूँ, इनको ग्रुप में लिखता हूँ और एक इस पूरी की पूरी कहानी को कह देता हूँ गर्ल्स। तो ये क्या है? दिस इज कॉमन नाउन। आप बताइएगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझ में आया? आप बताओ, आप तो 100% को आना चाहिए कि जब अलग अलग नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, और जब मैंने इकट्ठा करके इन सारी लड़कियों को कह दिया लड़कियां, तो लड़कियों के अंदर तो ये सारी आ गई, तो इसलिए इसको कह दिया इसका नाम है कॉमन नाउन। क्लियर यहां तक बात? यस मैम, प्लीज ये थम्स अप की संख्या नहीं रुकनी चाहिए अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो, वरना नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बात आपको क्लियर, देखो एक चीज और देखो, अब ये कौन है आपके सामने? आप कहेंगे मैम विराट कोहली, ठीक है, अभी आपको देख रहा होगा सुनील छेत्री को, आप देख रहे हैं फुटबॉल प्लेयर हैं, आप देख रहे हैं ये पीवी संधू, ये नाम है इनके कि ये मैंने कह दिया ये विराट कोहली है, ये सुनील छेत्री है, ये पीवी संधू है, ये इनके अलग अलग पर्टिकुलर नाम है, तो मुझे बताएंगे ये कौन सी नाउन है? आप कहेंगे मैम ये है प्रॉपर नाउन, ऐसा ही कहोगे, कहो मेरे साथ यस दिस इज प्रॉपर नाउन। अब मैंने क्या किया, आप दूसरी इमेज देखिएगा, अब मैंने इनके नाम नहीं लिखे, ना मैंने ये बताया विराट कोहली है, ये सुनील है, पीवी संधू, मैंने कुछ नहीं बताया, अब मैंने कुछ फोटोज लगा दी एक साथ, और अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि आपको अब अलग अलग नाम नहीं लेना और इन सबको एक नाम देना है, तो क्या कहेंगे आप? शायद कहेंगे प्लेयर्स। अब मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, जब नाम लिखा तो प्रॉपर नाउन है, जब मैंने इनको उठा के गोले में डाल दिया और मैंने पूछा ये कौन है और आपको एक ही वर्ड यूज करना है, आप कहेंगे प्लेयर्स, तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो प्लेयर है ये हमारा कौन सा नाउन है? जल्दी से मुझे फटाफट लिखे, फटाफट फास्ट, आप कहेंगे मैम ये कॉमन नाउन है, आप नहीं कहा भाई, अब तो 100% क्लियर ना सभी को, आप कहेंगे जब मैंने इनको इकट्ठे करके कह दिया प्लेयर, तो भैया कितनों के नाम लूं? दुनिया में जो सब खेल रहे हैं किस किस के नाम लेंगे पर्टिकुलर, सबको कुछ कहना है तो नाम ले लेके कब तक सिर घूम जाएगा, इससे अच्छा तो प्लेयर्स कह देते हैं, काम हो जाएगा हमारा। तो प्लेयर्स जब हम कह देते हैं तो पर्टिकुलर से बन जाता है हमारा कॉमन नाउन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इन सबको हम प्लेयर्स कहेंगे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉमन नाउन। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देती हूँ, अब अगली कहानी आती है मैम, एक तीसरी टाइप की नाउन आपने बताई कलेक्टिव, ये भी बच्चों के लिए कंफ्यूजन है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। देखिए उस स्लाइड में मैंने कहा था कॉमन नाउन में से कुछ ग्रुप निकाल लिए जाते हैं, अब क्या हुई समस्या, क्या हुई मैं बताती हूँ आपको, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कल स्टूडेंट्स का ऑफ है, मैंने कहा कल स्टूडेंट्स का ऑफ है, तो स्टूडेंट कौन कौन है जो मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं, क्या वो स्टूडेंट है या किसी और चैनल पे या ऑफलाइन क्लास एंड एनीवेयर एल्स वो भी स्टूडेंट हैं? तो मेरी तो स्टेटमेंट गलत है अगर मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स का कल ऑफ है, तो ये गलत है क्योंकि स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा यार अब समस्या आ गई, अब एक काम करो कुछ स्पेसिफाइड बनाओ,
जैसे स्कूल है, कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे हैं और ग्राउंड में खड़े हैं, आपने कह दिया स्टूडेंट्स का लॉफ है, पर आप कहना चाहते थे कि यार इनका ऑफ कर दो, इनका नहीं करना है। तो आपने सोचा अब क्या करें इनका, तो आपने बनाया क्लास नाइन्थ की छुट्टी है पर क्लास टेंथ को आना है, हैं तो क्लास नाइन्थ वाले भी स्टूडेंट और क्लास टेंथ वाले भी स्टूडेंट। जब आप कॉमन नाउन में से कुछ एक ग्रुप को उठाकर इंडिकेट करना शुरू कर देते हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल से समझेंगे, ये सब हैं कॉमन नाउन, इन्हें कहते हैं प्लेयर्स। अब आपके सामने दो इमेज आई और इन पर क्या लिखा है, कृपया इसे देख लें। मैम वोकैबुलरी बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रामर का भी कर सकते हैं, वोकैबुलरी भी कर सकते हैं एंड स्पोकन इंग्लिश का भी कर सकते हैं। तरीका एक ही है, एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सुमन इंग्लिश, उसके बाद जो मेरे चैनल का नेम है ओशन गुरुकुल्स, वही हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन का भी नाम है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। हो गया, मैं कुछ सवाल पूछ रही थी, क्या लिखा है टीम, क्या लिखा है टीम, ये इंग्लैंड इंडियन भी रहने दो। आपको लग नहीं रहा ये सारे इंडियन इंडियन सारे हमारे सारे भर्ती हो गए हो यहाँ? इन सबको तो प्लेयर्स कहते हैं, इन सबको तो प्लेयर्स कहते हैं, पर स्पेसिफाइड मैंने कह दिया टीम। क्या टीम के अंदर सारे प्लेयर्स नहीं होंगे? होंगे, पर यार कैसे काम चलता है ऐसे प्लेयर्स प्लेयर्स कहकर, कुछ मुझे स्पेसिफाइड करना पड़ा, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम। तो इसका मतलब जो टीम वर्ड है ना, इसका मतलब ये क्या है, ग्रुप है। एक स्पेसिफाइड ग्रुप को क्या कहा जाता है, ये जो टीम बन गई ना यार, इस टीम को इंग्लैंड की टीम है या इंडिया की टीम है, इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। दोबारा से समझ लिए, एक एक नाम प्रॉपर नाउन, अब उन प्रॉपर नाउन का एक नाम देना है तो आप कहेंगे कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन से भी काम नहीं चल रहा यार, इसको भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा बनाया जाए, टुकड़ा टुकड़ा काट के दिया जाए, तो इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो थम्स अप की संख्या रुकनी नहीं चाहिए भाई, जितने बच्चे भी लाइव हैं 2022 और सारे के सारे बच्चे मुझे ये बताएं कि बात का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। यहां पर कलेक्टिव है, यस, आप मुझे बताइएगा, अब आप बताइए, मैं आपसे एक एक हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा है, पढ़ो इसे, क्या लिखा है? बात मैंने बता दी, अब यार आपको पता होनी चाहिए, सचिन तेंदुलकर इज अ गुड प्लेयर ऑफ आर इंडियन क्रिकेट टीम। इसके अंदर तीनों नाउन है, प्रॉपर भी है, कॉमन भी है, कलेक्टिव भी है। आप मुझे बता पाएंगे सचिन तेंदुलकर क्या है? अब देखो ना, कौन, हु का आंसर दिया, क्या है, प्लेयर है ना, क्या है, टीम में है। तो हमने कहा ये जो आंसर्स हैं हमारे, ये हमने कह दिया कि ये नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं। मैम हम नाउन तो समझ गए, क्योंकि टीम भी एक नाउन है, क्योंकि क्रिकेट टीम की हमने बात कर दी कि तो क्रिकेट ऑब्वियसली हमारा नाउन है। तो हमने कह दिया हु का आंसर मिल गया, व्हाट का आंसर मिल गया, ये तो बात ठीक है। मैं आपसे अब ये पूछ रही हूँ, नाउन है इतना तो तुम्हें सबको पता है, पर कौन सी नाउन है इतना बता दो, बताना जरा सचिन तेंदुलकर कौन सी नाउन है, प्लेयर कौन सी नाउन है और ये टीम। अरे कमेंट सेक्शन में लिख लो सचिन तेंदुलकर कौन सी नाउन है, आप कहेंगे प्रॉपर नाउन है, वेरी गुड। फिर मैंने पूछा प्लेयर कौन सी नाउन है, प्लेयर कॉमन नाउन है, वेरी गुड, 200% समझ में आ गया, अच्छा 2000% आ गया। आपका कोई बैच भी है क्या? जी मेरे सारे बैचेस हैं यार, बैचेस की कहानी आप फिर प्ले स्टोर पे जाइए, आप अभी यहाँ पर मुझसे पढ़ तो लीजिए, प्रॉपर नाउन है। सेकंड वन, जब मैंने प्लेयर्स की बात करी तो प्लेयर आप कहेंगे ये कॉमन नाउन है, जब मैंने टीम की बात करी तो आप क्या कहेंगे कि दिस वन इज कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये इंडियन क्रिकेट टीम एक छोटा सा ग्रुप की बात कर दी गई है। क्लियर सभी को? अपने आप को जज कर लीजिए कि आप, बात आपको समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, थैंक यू सो मच। सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन, प्लेयर आपका कॉमन नाउन, एंड द थर्ड वन इज टीम, टीम इज कलेक्टिव नाउन। क्लियर? तीनों की कहानी फिनिश करें, चलो ठीक है, कुछ और देख लेते हैं, देखिएगा फटाफट। ये है लड़की सोनू, ये है रेनू, ये है शीनू। अब मुझे नहीं नाम पता,
लड़कियां हैं। अब ये सारी की सारी क्या हैं, ये तो प्रॉपर नाउन। अब इन लड़कियों के नाम नहीं है तो मैंने ये कह दिया ये क्या है, गर्ल्स। जब गर्ल्स कह रही हूं तो ये है एक कॉमन नाउन। और अब इन लड़कियों का एक ग्रुप जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बेवी, BEVY, बेवी। ये लड़कियों का झुंड होता है, डेट्स काइंड वी कैन से डेट कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल क्लियर, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूं, बात वही है सेम। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये लड़का रोहन, ये लड़की मीनल, ये है सोहन। तो ये कौन सा नाउन है बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे फटाफट। आपको आज सब सीख के जाना है कि मैं नहीं सबको बता दूंगा यार कौन सी नाउन कौन सी है। आप कहेंगे ये प्रॉपर नाउन है, राइट। जब मैंने इनका नाम नहीं रखा और सबको एक कैटेगरी में डाल दिया, आप कहेंगे ये मैम स्टूडेंट्स हैं। क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। और स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब मैंने कह दिया कि सारे कॉलेज के तो स्टूडेंट्स हैं, अब इनको क्लास वाइज भी तो बांटूं। तो आपने कह दिया ये क्लास है, और क्लास को क्या कहा जाएगा? कलेक्टिव नाउन। फिर से बता दूं, रोहन प्रॉपर नाउन है, मीनल प्रॉपर नाउन है, सोहन प्रॉपर नाउन है, ठीक है। बट स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट हमारा कॉमन नाउन है। अब हमने कहा इनकी भी आगे कैटेगरी कर दो, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री। ये क्लास है इसलिए ग्रुप है, ग्रुप है तो ये है कलेक्टिव नाउन। क्लियर। अब मैं आगे बढ़ती हूँ हमारी नेक्स्ट नाउन की तरफ। तीनों आपको क्लियर हो गई होंगी, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। आज के बाद इन तीनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट नाउन की तरफ बढ़ती हूँ। हमारी नाउन का नाम है मटेरियल। नाम ही कह रहा है मटेरियल। अब जो चीज़ वेट रखती हो, जो चीज़ स्पेस घेरती हो, उस सबको मटेरियल कहते हैं। जी हाँ मैम, मटेरियल कहते हैं। तो मटेरियल वर्ड हम सुनते हैं। अब मटेरियल के अंदर क्या क्या आ सकता है? लाइक हम समझिए हमारी पीरियोडिक टेबल, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। बेसिकली उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप कहें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये सब हमारा मटेरियल है। बहुत आसान है, ये वाला नाउन में कोई कन्फ्यूजन नहीं, बहुत आसान है। हमने कह दिया अगर मैं इन सबको मिला के अगर कुछ एलिमेंट्स को मिला लूँ, जैसे CO2 है, अब मैंने कह दिया CO2 है। CO2 किसका कॉम्बिनेशन है? C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन का। मैंने कहा ब्रास, जिंक, एल्युमिनियम। तो आपने कहा कि ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को भी, भैया जब एलिमेंट्स को कह रहे हो आप मटेरियल, तो इनके मिक्सचर को भी, पीतल को क्या कहोगे? मटेरियल ही कहेंगे मैम, ऑब्वियसली, बहुत आसान है। आपने कहा जितने भी आपके लिक्विड बेवरेज होते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, मिल्क, कर्ड, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या हैं? ये सब भी लिक्विड बेवरेज हैं, ये सब भी हमारी मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब मैंने कह दिया इसमें आपके और आते हैं ग्रेन्स। ग्रेन्स जैसे कि आपके दाल, चावल, गेहूं, ये सब भी आपके क्या हैं? मटेरियल है। तो मुझे लगता है ये नाउन बहुत, देखो थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को प्रॉपर समझना, फिर कलेक्टिव और कॉमन, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मटेरियल में कोई कॉमन नहीं, कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न की नहीं है। जो चीज़ वेट, जिस चीज़ में भी वेट हो और वो जगह घेरती हो, उस चीज को क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन कहा जाता है। क्लियर सभी को? यस मैम, क्लियर, ओके। अब ये सब आपके सामने, जैसे देखो, अब मैंने कहा गोल्ड, तो इसमें वेट है, जगह भी घेर रहा है, हाँ ये मटेरियल है। सिल्वर, आप सिल्वर में वेट भी है, जगह भी है। सोप कैसे बनती है? अब ये बड़ी परेशानी होगी कि सोप मटेरियल नाउन कैसे है। भाई मैंने कहा मिक्सचर से, जो एलिमेंट्स के मिक्सचर से जो चीज़ बनती है वो मटेरियल ही है नाउन। तो हमने कहा ठीक है, मटेरियल नाउन है। आटा मटेरियल है, शुगर मटेरियल है, ऑयल, ये सब में वेट भी है और ये स्थान भी घेरते हैं, ठीक है। तो इन सबको क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब मैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट नाउन की तरफ जाती हूँ, और आपकी पांचवें नंबर की नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? अब तक तो जो चीज़ें थी ना वो दिख रही थी, उनका कुछ वेट था, उन्हें हम समझ रहे थे। अच्छा ये नरेंद्र मोदी, ओके, ये ताजमहल, ओके, ये हमारा शहर, ओके, ये टीवी, यस, मोबाइल, यस, कैमरा, यस, आँख, यस, नाक, यस, सुमन, यस, आपने कहा विवेक, यस, मनीष, तो सब अपना अपना सब कुछ है। पर ये जो है ना, ये बड़ी खतरनाक है, ये ना दिखती है ना इसका कोई वेट है।
अब मैं आपको कहूँ फॉर एग्जाम्पल खुशी, हैप्पीनेस, अच्छा मैं कहूँ आपको लव, ये कंफ्यूजन जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था, आइडिया और एक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं उसको ही डिस्कस कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा बात को, क्लियर हो जाएगी गारंटी है। देखिए अब आपको मैंने कह दिया खुशी, या फिर आप कहें प्यार, या फिर आप कहें नफरत, तो इन सब चीज़ों में एक प्रॉब्लम है। कभी आपने प्यार को देखा है, मतलब किसी ने देखा हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि प्यार कैसा कैसा सा होता है, मतलब उसके बाल एकदम घुंघराले काले ऐसे कैसा सा, मतलब रंग कैसा होता है, काला होता है, गोरा होता है, आंखें कैसी होती हैं, आंखों के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसी आंखें होती हैं, प्यार की आंखें कैसी होती हैं, प्यार की आंखें, मतलब नाक कैसी होती है, मतलब हाथ बड़े बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, कैसे होते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं प्यार। अब ऐसा है कि अपनी गर्लफ्रेंड का डिस्कशन मत कर देना कि काले बाल हैं उनके, प्यार मैंने पूछा, प्यार क्या किसी ने आज तक प्यार को देखा है, और अगर देखा है तो कृपया आप मुझसे भी मिलवाया जाए। कभी कह सकते हैं प्यार यहाँ कहीं है ही नहीं, वो एक ऐसी चीज है जिसे आप फील करते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ फील करते हैं, समझ में आ रही है बात, जिसे आप देख नहीं सकते पर वो आपके अंदर है, उस फीलिंग को कहा जाता है लव, जिसका कोई फिजिकल शेप नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई ना बाल है ना कुछ नहीं है यार, तो वो जो आपके अंदर है ना उस फील को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहे, ठीक है। अब आप दूसरी बात आती है क्वालिटी की, क्वालिटी मतलब कि एक बंदा बहुत ईमानदार है तो उस ईमानदारी के हाथ पैर हैं क्या, हम कहेंगे और इसके तो इसकी ये बहुत ईमानदार है, इसके बहुत हाथ पैर बहुत अच्छे हैं यार इसकी ईमानदारी के, तो ये जो गुण है उसके अंदर ईमानदारी, उसको नाम तो हमने दे दिया क्योंकि नेमिंग वर्ड ही नाउन है, हमने उस रिलेशन में उस फीलिंग को नाम तो दे दिया, क्या प्यार, नाम ही तो दिया है प्यार, तो इसका मतलब प्यार जो है वो है तो नाउन पर दिखता विकता कुछ नहीं है, उसके कोई हाथ पैर नहीं है, ना ही आप कहें कि इसमें ईमानदारी है, इसके अंदर क्वालिटी है, और मैं उसमें कह दूं कितना वजन है उसकी ईमानदारी का, बता 1 किलो 2 किलो 10 किलो, तो आप कहेंगे वेट थोड़ा ना होता है, एग्जैक्टली वेट नहीं होता, तो हमने कह दिया उस क्वालिटी का। अब तीसरी बात आती है एक्शन, लाइट कैमरा एक्शन, एक्शन जी हाँ उसी एक्शन की बात कर रही हूँ, जब आप किसी चीज को करते हैं, जैसे कि आप गाना गा रहे थे, ठीक है, तो ये जो गाना है ना, तो आप कहते हैं उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी है ना, कोई पर्सन डांस कर रहा था तो वो कर रहा था वो डांस था, लेकिन आपने कहा उसका डांस, तो हमने कहा वो जो डांस है ना यार वो भी तो कुछ है, वो भी तो एक्शन, छोड़ो यार, आपने चाकू लिया, बहुत बड़ा सा चाकू लिया है ना, और किसी के पेट में मार दिया, तो ये जो आपने चाकू लिया उसको मारा वो मर गया, तो ये जो पूरा सीन था ना ये हो गया मर्डर, बताओ उस सीन को, पूरे सीन को क्या नाम दिया गया, मर्डर, तो मर्डर क्या है, एक्शन, क्या है एक्शन, तो इस एक्शन को क्या कहा जाता है, इसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही लाया जाता है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे, किसी भी स्टेट को, किसी भी क्वालिटी फीलिंग, बस इनसे ही हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। स्टेट भी अभी हम बताएंगे, जो हमारे मूड हैं, मैं बड़ा सैड हूं, तो आपका जो सैडनेस है ना, कुछ दिखता विकता तो कुछ है नहीं वो, पर वो क्या है सैडनेस, उसका नाम आपने सैडनेस जरूर दे दिया, पर वो कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ में आ रही है बात, क्लियर यहां तक, तो मैं आगे कुछ एग्जांपल भी देती हूँ इनके, देखिएगा जैसे कि मैंने कहा नेम्स ऑफ फीलिंग, आप फीलिंग कैसी हो सकती है, एंजॉयमेंट, हेटर्ड जिसे आप नफरत कहते हैं, डर, प्यार, आप फील करिए इन्हें, कि जितनी भी फीलिंग लिखी हैं क्या आपने इनको कभी देखा है, सुंदर हैं, कैसी हैं, खराब सी हैं, डरावनी सी हैं क्या, नहीं यार कुछ भी नहीं है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर नाम है, मुझे प्यार है, मुझे डर लग रहा है, तो आपने उसको नाम दे दिया है, नाम दे दिया, तो नाउन तो है पर एक अलग तरीके का नाउन है, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम दिया जाता है। कुछ हमने कहा एक्शंस जैसे कि मर्डर या डांस, या भी मैंने आपको क्लियर किया था, फिर हम कहेंगे कुछ स्टेट, फ्रीडम, लिबर्टी, लग्जरी या नर्वसनेस, ये सब आपकी स्टेट है, ये सिर्फ स्टेट है, आप फील कर रहे हैं इसे और कुछ भी नहीं, आज़ादी क्या है, आपकी फीलिंग है और क्या है, स्टेट है आपकी।
कुछ क्वालिटी जैसे कि किसी की ब्यूटी, किसी की ऑनेस्टी, किसी का करेज, साहस, तो ये सब भी क्या हैं? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब मेरी बात तो यहाँ ख़त्म हो जाती है और आपकी शुरू हो जाती है। मैंने आपसे पूछा इस सेंटेंस के अंदर मुझे नाउन बताओ, जल्दी से अंडरलाइन करो। इंदौर इज अ सिटी ऑफ एमपी, आप इसमें से मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी नाउन है? अंडरलाइन कर दो। आप कहेंगे मैम सबसे पहले तो इंदौर, सेकंड नंबर सिटी और तीसरा एमपी। क्या आप मुझे ये भी बता पाएंगे कि इंदौर कैसा नाउन है? जल्दी बताइएगा। इट्स रॉकिंग क्लास, थैंक यू सो मच। समझ में आ रहा है आपको? हैप्पी बर्थडे मैम। बर्थडे नहीं है भाई हमारा, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कम्युनिटी पोस्ट मतलब यार तुम ऐसा क्यों करते हो यार, कभी किसी दिन हमारा असली में बर्थडे हुआ उस दिन आप लोग विश नहीं करेंगे। कम्युनिटी पोस्ट पे एक बच्चे ने मतलब मजे लेने के लिए लिख दिया तुम्हारे हैप्पी बर्थडे, लाइन से हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। भाई हमारा बर्थडे 4th of January को आता है जो कि इस साल आ चुका है, अब अगले साल आएगा, तो इसलिए यार रोज़ रोज़ हैप्पी बर्थडे नहीं, आज मेरा बर्थडे नहीं है। मैंने इंदौर पूछा, इंदौर क्या है? प्रॉपर नाउन है, वेरी गुड, आई फैंसी यू। ओके अब सिटी बताइए, फिर सिटी क्या है? देखो भाई इंदौर तो इंदौर है, ये पर्टिकुलर नाम है, आपने कह दिया जी हाँ। अब इंदौर भी एक क्या है? सिटी है। अब सिटी क्या है? सिटी क्या सिर्फ इंदौर है या और भी सिटी आती है इसके अंदर? तो हम कहेंगे ये तो मैम कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन। सिटी क्या है? एक कॉमन नाउन है। एमपी क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी किसी का नाम है तो हमने कहा ये एक प्रॉपर नाउन है। क्लियर? मुझे लगता है आप लोगों ने ठीक भी बनाया होगा। चलो अगर आपने ठीक बनाया तो मैं नेक्स्ट सेंटेंस आपसे पूछती हूँ, जल्दी से अंडरलाइन कर दीजिए नाउन को। तो सबसे पहले आप कहेंगे द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल। बुक और टेबल दोनों ही मैम क्या है? नाउन है। पर कौन सी नाउन है? बुक। क्या ये प्रॉपर किसी बुक का नाम दिया है मैंने? नहीं, बुक तो बहुत सारी होती है। ठीक है, टेबल, टेबल कोई ये कहा कि वो टेबल ये टेबल, टेबल का कोई नाम दिया? नहीं, टेबल तो बहुत सारी होती है। तो जल्दी से मुझे बताइएगा, आप कहेंगे बुक मैम एक कॉमन नाउन है, बहुत सारी बुक्स को कहते हैं, टेबल भी आपका कॉमन नाउन है। क्लियर? कॉमन है, दोनों कॉमन है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, लव बिगेट्स लव। प्यार से ही प्यार मिलता है। अब आप किसी से नफरत करेंगे और आप उससे प्यार मांगेंगे तो नहीं मिल सकता, प्यार से ही प्यार मिलता है। तो कौन कौन सी यहां पर नाउन है? जल्दी, ये वाला तो आसान है वैसे तो, लास्ट में हमने बताया था आपको। सबसे पहले लिखते हैं कौन लिखता है, प्रीति, पायल, सोनम, वेरी गुड, बिट्टू कुमार, नीलम, गुड्डू, रतन सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सी नाउन है ये? एब्स्ट्रैक्ट, वेरी गुड। लव, लव एक फीलिंग है और फीलिंग है तो डेफिनेटली ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर? और पहचानते हैं, चलो अगले में पहचानते हैं। वी कांट लिव विदाउट वाटर। अब आपने कहा ये जो पानी है ना, किसके बिना नहीं जी सकते हम? पानी के बिना नहीं जी सकते। तो आपने कहा जो वाटर है ना, ये क्या है? ये नाउन है। पर कौन सी नाउन है? याद करिए, मैंने बताया था कि वाटर कैसे बना। वैसे तो लिक्विड बेवरेज से भी आप इसे याद करे होंगे, फिर भी आपको पता है H2O को पानी कहते हैं, H2O। ये क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है। बताओ जल्दी से, वेरी गुड, दिस वन इज मटेरियल नाउन। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। बस कमेंट सेक्शन ऐसे इतनी तेजी से चलना चाहिए तभी हम समझ पाएंगे। दिस वन इज मटेरियल नाउन। मैम आपके ग्रामर के बैचेस भी, भाई मेरे ग्रामर के बैचेस भी, वोकैबुलरी के बैचेस भी और स्पोकन के बैचेस भी मैंने बता दिया। आप मेरी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर एक नंबर यहाँ पर होगा, इस नंबर पे भी आप दिन में 9 से 9 कॉन्टेक्ट करेंगे तो गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है। क्लियर? अब हमने नेक्स्ट पे आते हैं, द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, पर जल्दी से पहले तो नाउन पहचानो, जल्दी से बताओ कौन सा नाउन है। अब क्वेश्चन कर लो ना, हु कर लो, हु हैज गिवन इट्स डिसीजन, तो आप कहेंगे हु, जूरी। तो इसका मतलब जूरी क्या है? नाउन है। और हम के व्हाट, क्या दिया उसने? डिसीजन। तो डिसीजन भी क्या है? एक नाउन है। तो दोनों को अंडरलाइन कर देते हैं, जूरी और डिसीजन। अब समझना ये है कि जूरी कौन सी नाउन है, जूरी के अंदर क्या होते हैं। कुछ जजेस, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं जूरी, 5 जजों की बेंच है तो वो जूरी है।
तो पांच जज की जो बेंच है मैम, तो उसको क्या कह दिया गया है? ग्रुप, तो ग्रुप है तो, अरे वाह वेरी गुड, दिस वन इज कलेक्टिव नाउन, आप मुझसे पहले जानते हैं, बहुत अच्छा है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अब उन्होंने लिया है डिसीजन, क्या लिया है? ज्यूरी ने लिया है डिसीजन। क्या आप डिसीजन को देख लो, डिसीजन दिखता कैसा है? सुंदर दिख रहा नहीं, आंखें मतलब मोटी मोटी सी आंखें हैं एकदम, और बाल एकदम नागिन जैसे ऐसा तो दिखता तो है ही नहीं डिसीजन। तो क्या कहेंगे हम, डिसीजन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने कहा ना कि जो चीज हमें दिखती नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, द हिंदूज रिगार्ड कृष्णा, तो यहाँ पर जो हिंदूज हैं पूरी कम्युनिटी को शो करते हैं, पूरे हमारे धर्म को शो करते हैं, डेट्स वाई हम कहेंगे दिस वन इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब कृष्णा ये हमारे भगवान, ये अकेला ही नाम है उनका, नाम है तो हम कहेंगे इसे प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, बताइएगा इसमें जल्दी से मुझे अंडरलाइन करिए, अल्कोहल इज इंजुरियस टू हेल्थ। अल्कोहल इज इंजुरियस टू हेल्थ। तो हमने अंडरलाइन कर दिया, क्या अंडरलाइन किया? अल्कोहल और हेल्थ। एग्जैक्टली, अब पहचानो ये कि अल्कोहल क्या है। अल्कोहल लिक्विड बेवरेज है ना, अल्कोहल शराब, शराब क्या है? कौन सी नाउन बताएं इसको, प्रॉपर बताएं, कलेक्टिव बताएं, कॉमन बताएं, या मटेरियल बता दें? अरे यार अब भी बताया, वाटर को जब मटेरियल कहा तो अल्कोहल भी मटेरियल है। अब हम कहेंगे हेल्थ, तो हमारी हेल्थ क्या है? आप कहते हैं यार तुम्हारी हेल्थ खराब है क्या, है ना, क्या है हेल्थ? दिख रही है? अब ये मत कहना कमजोर सा दिख रहा है तो मैम हेल्थ होता है, ये दिखती है, ये कोई हेल्थ नहीं होती। हेल्थ होता है आप बीमार हैं, यार मैं बड़ा ही, मेरा हेल्थ बड़ा इशू चल रहा है। हेल्थ क्या है? कोई दिखने की चीज़ नहीं है, हेल्थ फील की चीज़ है, और जो चीज़ फील की है उसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ, इसके अलावा आपको कुछ और एग्जाम्पल मेरे टेलीग्राम चैनल सुमन इंग्लिश पर मिलेंगे, और इसका PDF भी वहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले तो क्लास के तुरंत बाद मेरा टेलीग्राम चैनल सुमन इंग्लिश को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको ये पूरी PDF एंड अदर एग्जाम्पल रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन आपको वहाँ पर मिलेंगे, आप उस प्रैक्टिस को भी करेगा। ठीक है, हेल्थ क्या है आपकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वेरी गुड। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, एनिमल क्या है? ये तो हमने देखा था, ये शेर चीते सब एक ही के अंदर आ रहे हैं एनिमल, तो हम कहेंगे इसे ये क्या है? कॉमन नाउन है। फॉरेस्ट क्या है? मैंने अमेजोन फॉरेस्ट नहीं कहा, अमेजोन के जंगल, मैंने तो जंगल कहा, तो जंगल के अंदर तो बहुत सारे जंगल आते होंगे, डेट्स वाई जो हमारा जंगल है वो भी क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। क्लियर? नेक्स्ट बताइए, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, यहां पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गोल्ड तो आप जानते हैं मैम, गोल्ड तो कौन सा नाउन है? मटीरियल नाउन है, राइट, बट मेटल कौन सा नाउन है, ये मैं जानना चाहती हूं आपसे, आप ही बता दीजिए, या आप बताइए मुझे मेटल कौन सा नाउन है, सोच के बताइएगा जरा। मेटल कौन सा नाउन है? आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ओके थैंक यू सो मच, बस आपको मैं तो सिर्फ पढ़ाने का काम। गोल्ड तो मटेरियल नाउन है यार, ठीक है ठीक है ठीक है, सबने सही बोला है। राजनंदिनी, ऑसम, शिवानी, रस्तिया, बिट्टू, शंकर, ऑल फाइन, ये तो मेरे को भी पता है। मेटल बताना जरा, मेटल क्या है? मेटल भी मटेरियल लग रहा है, मेटल क्या है? मेटल, मेटल हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि मेटल क्या अकेली होती है? मेटल के अंदर ही सोना है, चांदी है, समझ में आ रही है मेरी बात? मेटल धातु, मेटल का हिंदी धातु होता है ना, क्या धातु एक ही है जिसे प्रॉपर कहें? नहीं नहीं मैम, प्रॉपर तो नहीं कहेंगे, इसका मतलब मेटल के अंदर तो सारी की सारी धातुओं को हम मेटल, सबको मेटल ही का रूप तो देते हैं, तो इसलिए इसको कॉमन नाउन कहा जाता है बेटा। क्लियर? वैसे आपने ठीक भी लिखा है, बहुत अच्छा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ क्या है? पृथ्वी अकेली ही है, या फिर कोई और भी है पृथ्वी? नहीं, एक ही पृथ्वी है, तो हम कहेंगे दिस वन इज प्रॉपर नाउन। और सन क्या है? सूर्य, सूर्य भी हमारा प्रॉपर नाउन है। अगला बताइएगा, द ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, और मैं कहती हूँ ताजमहल ये एक नाउन है, ठीक है,
ये क्या है? बिल्डिंग। दोनों में क्लियर करिएगा। ताजमहल तो एक प्रॉपर नाम है, अगर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन है, पर ताजमहल एक बिल्डिंग है। और बिल्डिंग क्या सिर्फ ताजमहल है? नहीं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल मुझे बताइएगा, बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग क्या है? ताजमहल प्रॉपर नाउन है, वेरी गुड। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग भी तो कुछ होगा, कॉमन निकल गई मैम ये तो। बिल्डिंग कॉमन, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। ताजमहल हमारा प्रॉपर नाउन है, बिल्डिंग हमारा कॉमन नाउन है, राइट? ठीक है, अगला बताइएगा। चलो अगला एग्जाम्पल, दिस नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। नेकलेस क्या है? यहाँ पर नेकलेस और गोल्ड दोनों हमारी नाउन है, बताओ। नेकलेस को ऐसी नाउन है। गोविंद सिंह, विपुल, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, फैंटास्टिक, यू गाइज आर अमेजिंग। आपने जितना सीखा आपने उसको क्लास में इंप्लीमेंट कर दिया, बहुत अच्छे। आपको बेसिक पता होगा ना, अभी आप देखना नाउन में आपको कितना मजा आने वाला है। जब हमें चीज़, ये आज आपका बेसिक खत्म हो जाता है यहाँ पर, अब हम आगे बढ़ेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल की तरफ, जिससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। इनसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, पर इनकी ज़रूरत हमें वहाँ पर ज़रूर पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि मैथ्स में जमा घटा की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी यार, इसी तरह ज़रूरत इसकी नाउन चैप्टर में पढ़ने वाली है हमें। तो हम नेक्स्ट क्लास में काउंटेबल अनकाउंटेबल की कहानी पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए नेकलेस क्या है? आप कहते हैं नेकलेस मैम मटेरियल है, कॉमन नाउन है, कॉमन है, कॉमन है, प्रॉपर भी है क्या? नेकलेस एक ही है क्या? बहुत सारे हार लगा देती हूँ, कोई एक पेंडल वाला यहाँ पर, कुछ इतना लंबा सा, एक उससे बड़ा, एक मतलब जितने जितने भी होते होंगे यार, सोने का, एक चांदी का, एक अलग का, तो ये सारे के सारे ही तो नेकलेस हैं। इसका मतलब आप इसे प्रॉपर नाउन कैसे कह सकते हैं? आपको तो इसको कॉमन नाउन कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। और कई बार कुछ मटेरियल और कॉमन नाउन सेम होते हैं, कोई जो मटेरियल नाउन भी है वो कॉमन नाउन भी हो सकता है, राइट? नेक्स्ट का हमने गोल्ड, अब गोल्ड तो पता ही है मैम, गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, द गंगा इज अ होली रिवर। तो बताइए मुझे गंगा, क्या दूसरी भी कोई गंगा है? नहीं, गंगा तो गंगा है, इसका मतलब उसका प्रॉपर नाम है गंगा। तो हमने कहा गंगा तो प्रॉपर नाउन है। अब हमने कहा गंगा एक नदी है, क्या नदी सिर्फ गंगा है या और भी नदियां हैं? आप कहेंगे और भी नदियां हैं। अगर और भी नदियां उसके अंदर हैं तो हम कहेंगे दिस वन इज कॉमन नाउन, क्लियर। यहाँ पर आपकी आज की क्लास फिनिश हो जाती है। एक बार मैं शुरू से बता दूं कि आपने क्या क्या सीखा। आपने सीखा नाउन किसे कहते हैं, नाउन पहचाना कैसे जाता है, कैसा क्वेश्चन हम उससे पूछे, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। आपने कहा प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है। अब ये पाँचों क्या होते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये आज की क्लास में मुझे लगता है आप सबने सीख लिया होगा। और अगर आपने अच्छे से सीखा, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अब आप, हम आपसे मिलते हैं मंडे रात को 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच गाइस।